प्रयागराज के यमुनापार क्षेत्र में संचालित हो रहे हर्रो टोल प्लाजा के टोल संचालक की दबंगई से आसपास के लोग परेशान। गात्रे स्थित टोल प्लाजा के सामने शासन एवं प्रशासन हुआ मौन। प्रयागराज जनपद के थाना बारा क्षेत्र के अंतर्गत गात्रे स्थित हर्रो टोल प्लाजा में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दोपहर से ही रोज आने जाने वाले शिक्षकों को से जब टोल संचालक के नए नियम के तहत 25 रुपए महीने का मांगा तो शिक्षकों से बहस की स्थिति बन गई। शिक्षक इस बात पर अड़े रहे कि पहले टोल संचालक 280 रुपए महीने का पास बनाता था, एक महीने के लिए आप 25 रुपए क्यों मांग रहे हैं। शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया कि जो वैन टीचर्स को लेकर आती है उनमें महिला शिक्षक होती है, जिनसे टोल कर्मी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा लड़ाई झगड़े और विवाद पर आमदा रहते हैं। शिक्षकों ने बताया कि वो कई साल से इस टोल से गुजर रहे हैं, पर कभी आने जाने वाले शिक्षकों के साथ टोल कर्मियों का इतना बुरा बर्ताव नहीं रहा। इसी विवाद की वजह से घंटों जाम की स्थिति बनी रही। आने जाने वाले राहगीर परेशान दिखे। क्षेत्रीय लोगों का कहना है ये रोज का हाल है, जब से टोल संचालक ब्रिजेश पांडे टोल चलाने आए हैं तब से आम आदमी के साथ गाली गलौज और जबरन वसूली मारपीट की घटनाएं आम हो गई। लोगों का कहना है लोकल पुलिस प्रशासन अगर मौके पर पहुंचकर मामले को हल न कराए तो निश्चित ही कोई बड़ी घटना घट सकती है। लोगों का कहना है लोकल पुलिस प्रशासन अगर मौके पर पहुंच मामले को हल न कराए तो निश्चित ही कोई बड़ी घटना घट जाएगी। ब्रिजेश पांडे का कहना है कि उनका बहुत बड़ा पावर है, कोई शिकायत उनका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे लोग आखिर अपने पावर के हद में लोगों के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार क्यों करते हैं। अब देखना होगा कि अब खबर चलने के बाद क्या असर होता है और ऐसे दबंग किस्म के व्यक्ति पर क्या कार्यवाही होती है। जिला क्राइम रिपोर्टर नरेंद्र यादव। लेकिन हम फ्री नहीं छोड़ेंगे भैया, 330 का पास है वो आप दीजिए, बात खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोगों के लिए, हम लोग जो हमको गाइडलाइन मिली हुई है लोकल के नाम पे, अगर मैं देखूँ तो डेली कम से कम एग्जामिनेशन में हमारे पास 100 गाड़ी है और 100 गाड़ी का 330 रुपये के महीने के हिसाब से देखेंगे तो शायद मेरा एक दिन का खर्च यहाँ चल जाए। अब आपसे आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप ही के नाम सरकार है, आपके हिसाब से जो भी है समस्या बता रहे हैं तो आप उसका जो बेजती दूर जरूर बता रहे हैं। 10 किलोमीटर एरिया में 150 रुपए लगना चाहिए। इतना पैसा दीजिए, अरे कमाल जमा चाहे जो तरीके से कमाए वाले लोकल में परेशान कर रहे हैं। साफ कर।